दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको P10 LED डिस्प्ले मॉड्यूल यूज़ करना सिखाऊंगा। इसे परचेस कहां से करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से ले सकते हैं। इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा और किस प्रकार इसको यूज़ किया जा सकता है ये बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस पर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, हम कोई भी टेक्स्ट की स्ट्रिंग देंगे और उसको जो है इस पर स्क्रॉल करके बताएंगे। के बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम इस पर स्क्रॉलिंग टाइम देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो टाइम होगा RTC मॉड्यूल से हम टाइम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वो टाइम इस पर डिस्प्ले होगा स्क्रॉल करते हुए। के बाद जो मैं वीडियो पब्लिश करूंगा इस सीरीज़ का उसमें हम देखेंगे कैसे इसकी डिजिटल क्लॉक बनानी है। ठीक है, हम एक ही डिस्प्ले पर टाइम, डेट, डे और मिनट, सेकंड सब देख सकते हैं। किस प्रकार मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो सीरीज़ के। और इसी वीडियो सीरीज़ की लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम एक ब्लूटूथ ऐप बना सकते हैं और उस ऐप के थ्रू जो भी मैसेज हम टाइप करके सेंड करेंगे वो मैसेज आपको इस P10 बोर्ड पर डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी एक मैसेज इसको सेंड किया है हैप्पी दिवाली लिखकर। ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि इस पर स्क्रॉल करता हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा पुराना मैसेज ख़त्म हुआ है तो अब नए मैसेज में जो मैंने ब्लूटूथ से सेंड किया है इसको वही मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मैं एक और मैसेज आपके सामने यहाँ पर टाइप करके सेंड करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रखा है और ब्लूटूथ के थ्रू हमने पेयरिंग कर रखी है इस मॉड्यूल से। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेंड बटन दबाया और अब अगला जो डिस्प्ले आप देख सकते हैं इस DMD पैनल पर वो है लाइक दिस। ठीक है, तो आपको पसंद आया होगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है बताऊंगा किस प्रकार इस पैनल को सिंपली यूज़ करना है स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के लिए। ठीक है, इसकी वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, इस पर कई सारे वीडियोज़ बनेंगे, लगभग 4 से 5 वीडियो मैं बनाऊँगा इसी वीडियो सीरीज़ में जो सभी P10 डिस्प्ले बोर्ड पर बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही दीजिए और लाइक और कमेंट करना तो आपका हक है जो आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स हम इस वीडियो सीरीज़ में यूज़ करेंगे वो इस प्रकार है। हमें चाहिए एक DMD पैनल। ठीक है, DMD LED डिस्प्ले मैट्रिक्स होता है 16x32 का होता है। इसके साथ इस तरह का एक कनेक्टर आता है और ये दो वायर आते हैं पावर सप्लाई के लिए, रेड और ब्लैक। ठीक है, इस कनेक्टर के बगैर भी हम इसे यूज़ कर लेंगे, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो एक आर्डुनो यूनो हमें चाहिएगा, आर्डुनो नैनो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, हमें चाहिए एक RTC मॉड्यूल जो कि DS3231 या फिर 1307 हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों पर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, दोनों में टाइम सेट कैसे करना है, मैंने उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर हमें ब्लूटूथ के थ्रू इस पे मैसेज डिस्प्ले करना है तो हमें HC05 मॉड्यूल यूज करना होगा जो कि इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। इसी वीडियो सीरीज के लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा आर्डुनो यूनो और इसके थ्रू हम केवल इस पर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों ये P10 LED डिस्प्ले मॉड्यूल है, ये एक LED मैट्रिक्स है जो कि 16x32 का है। इसमें 16 तो रोज़ है और 32 कॉलम्स है। ठीक है, एक अच्छा हैवी ड्यूटी और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है ये और इसका यूज़ करके हम कई सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हम इस पर स्क्रॉलिंग LED पैनल बना सकते हैं, हम इसके ऊपर हमारा डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। इसके पीछे यहाँ पर कनेक्टर दिया गया है ये इनपुट के लिए और ये आउटपुट। यहाँ जो एरो देख रहे हैं आप, ये इनपुट का होता है जो कि ये वाला कनेक्टर है और यहाँ पर दूसरी तरफ जो एरो बाहर की तरफ निकलता हुआ बता रहा है, वो बता रहा है इसका आउटपुट। आउटपुट किस लिए, ताकि हम एक और ऐसा पैनल इसके आगे एक्सटेंड कर सके, इसको एक बड़ा डिस्प्ले बना सके। ऐसे कई सारे मॉड्यूल हम इस केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट करके काफ़ी लंबा इसको लेंथ दे सकते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं ये इसके पावर सप्लाई का कनेक्टर है जो कि 5 वोल्ट की इसे पावर सप्लाई देनी होगी। हालांकि अगर हम सिंगल पैनल यूज़ कर रहे हैं तो हम आर्डुनो के थ्रू भी इसे 5 वोल्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो हमें SMPS यूज़ करनी होगी। यहाँ पर जो कनेक्टर है इसका पिन आउट मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, वैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसे हम कनेक्ट करेंगे अपने आर्डुनो यूनो से। ठीक है, तो ये इसका कनेक्टर है, आप चाहे तो कनेक्शन केबल जो साथ में आया है वो यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसको हमारे जम्पर वायर से। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इसमें हमारा पिन आउट बना हुआ है। अगर आपके बोर्ड में पिन आउट नहीं बना हुआ है तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ पिन आउट। ठीक है, इसका आप स्क्रीन शॉट लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ भी ये N लिखा हुआ है ये सारी नेगेटिव सप्लाई की पिन है, मतलब इन सबको ग्राउंड कर दिया जाएगा।
ठीक है। और यहाँ ऊपर की जो दो पिंस हैं, यहाँ पर दो वायर्स हम लगा कर यूज़ करेंगे, मतलब सबसे ऊपर जो पिन है आप देख सकते हैं जिस पे टाइप किया हुआ है, प्रिंटेड है, ठीक है। इसे हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 9 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आर्डिनो बोर्ड पे कुछ वायर्स लगा रखे हैं ऑलरेडी, अब इन्हीं को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कौन सी पिन से कनेक्टेड है। देखिए मैंने यहाँ पर ये वाइट और ग्रे कलर का वायर कनेक्ट किया है, तो ये जो वाइट वाला है ये पिन नंबर 9 से कनेक्ट होगा हमारे आर्डिनो बोर्ड पर, ठीक है। उसके नीचे जो ग्रे है उस पर तो N लिखा हुआ है, इसलिए वो ग्राउंड से कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं पिन नंबर 13 के पास जो ग्राउंड है उस पर ग्रे पिन मैंने कनेक्ट कर दी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इस तरफ, यहाँ पर भी हमें दो वायर कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ रेड, और रेड के साथ एक और वायर मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो रेड वायर हमने लगा रखा है ये कनेक्ट होगा हमारे आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 6 से, ठीक है। इसके नीचे हमने ब्राउन कलर का वायर यूज़ किया है, तो ये ब्राउन कलर का वायर दोस्तों कनेक्ट होगा हमारे आर्डिनो की पिन नंबर 7 से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे तीन पिन, एक पिन छोड़ के अगली तीन पिन हमने यूज़ की है, उस पर जो वायर से मैं बता देता हूँ। थर्टीन पर हमने ब्लैक वायर कनेक्ट किया है, और इसके बाद आप देख सकते हैं ऑरेंज वायर कनेक्ट करना है, तो ऑरेंज वायर जो है हमने हमारे आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 8 पर कनेक्ट किया है, ठीक है। सीरियल क्लॉक की पिन है ये, ठीक है। इससे पहले क्लॉक की पिन थी और ये सीरियल क्लॉक की है। अब इसके बाद हम फाइनली एक और वायर कनेक्ट करेंगे येलो कलर का, तो येलो कलर का जो वायर है दोस्तों ये कनेक्ट होगा हमारे आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 11 पर, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको थोड़ी माइन्यूट बारीकियां पता चलेगी सर्किट की, ठीक है। केवल आप सर्किट डायग्राम से इतना नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्ट करनी, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे किसी SMPS से। वैसे डायरेक्टली केवल एक पैनल यूज़ करना है तो हम आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारा सारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। यहाँ पर ये वायर जो है हमने हमारे इनपुट में कनेक्ट किए हैं इस DMD पैनल के, और ये दो वायर जो है 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं हमारे इस P10 मॉड्यूल को, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना आर्डिनो IDE ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप जाएंगे स्केच में, और स्केच में जाने के बाद आप जाएंगे लाइब्रेरीज़ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्लूड लाइब्रेरीज़, और फिर जाएंगे मैनेज लाइब्रेरीज़ में। मैनेज लाइब्रेरीज़ में जाने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा मैनेज लाइब्रेरीज़ का, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजर इस प्रकार का। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ़िल्टर एंड सर्च, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे एक लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी का नाम है DMD, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ पर टाइप करेंगे DMD, और यहाँ पर आपको सर्च होके थोड़ी देर में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी प्रोसेस यहाँ लंबी लग रही है आपको, क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरीज़ मैंने डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी अपने आर्डिनो ID में, इसलिए थोड़ा इसमें समय लग रहा है, लेकिन आपको इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर थोड़ा एक मैसेज आया है एरर, और आपके कंप्यूटर में ये एरर नहीं आएगा, ये मेरे कंप्यूटर में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे DMD, और जैसे ही हमारा कर्सर आ जाता है मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बताऊँगा, नो इशू, ठीक है। तो आ गया है हमारा कर्सर, अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे DMD। आप देख सकते हैं दो लाइब्रेरीज, DMD मास्टर और DMD 2, ये दोनों लाइब्रेरीज़ आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है डाउनलोड, तो आप यहाँ पर वर्जन सेलेक्ट करेंगे, जो कि आप हाईएस्ट वर्जन ही सेलेक्ट करेंगे, और इंस्टॉल बटन दबाएंगे। एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप क्लोज बटन दबाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे, एक कोड ओपन करेंगे। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने आर्डिनो के न्यू प्रोग्राम में, ठीक है। और ये हमारा स्क्रॉलिंग अल्फ़ाबेट का कोड है, और यहाँ पर मैं जो भी मैसेज लिखूँगा वो आप स्क्रॉल करता हुआ देखेंगे अपने DMD पैनल पर, अपने P10 मॉड्यूल पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोर्ट कॉन्फ़िगर करता हूँ, और यहाँ पर हम
कॉम्पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉम्पोर्ट 4 आपके केस में ये कॉम्पोर्ट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इतना करने के बाद अब अपलोड का बटन दबाएंगे, जो प्रोग्राम अपलोड होगा, अपलोड होने से पहले ये थोड़ा कंपाइल होगा तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, और आप देख सकते हैं अब अपलोडिंग होना शुरू हो गया है, मैसेज यहाँ पर आ रहा है नीचे, ठीक है। तो जैसे ही ये पूरा लोड हो जाता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर स्क्रॉल किया हुआ टेक्स्ट आपके सामने है। देखिए मैंने मेरा नाम लिखा है यहाँ पर, मेरे चैनल का नाम भी यही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हुआ एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक स्क्रॉलिंग मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपने ये कर लिया है। चलिए कॉन्ग्रेट्स, आई होप आपको ये पैनल पसंद आएगा और आप इसे परचेज़ करेंगे। परचेज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। दोस्तों LED मैट्रिक्स के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप हाथ से LED मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, आप शिफ्ट रजिस्टर के साथ LED मैट्रिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप ये P10 वाला ये सीरीज़ ये चल ही रहा है, ठीक है, ये भी मैट्रिक्स ही है। इसके अलावा एक ऑलरेडी रेडीमेड मॉड्यूल आता है LED मैट्रिक्स का, उसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है, जिसमें हमने शिफ्ट रजिस्टर 7219 मैक्स IC यूज़ की थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आएंगे LED मैट्रिक्स वाले वीडियोस, और डिजिटल क्लॉक के ऊपर भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, तो आई होप आपको पसंद आएंगे। डिस्क्रिप्शन उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और कोड मैं आपको दूंगा जिसमें इस तरह के बड़ा टेक्स्ट, बड़ा फॉन्ट स्क्रॉल करता हुआ आएगा। आप देख सकते हैं पहले जो फॉन्ट दिया था वो छोटा था और ये थोड़ा बड़ा है। मैं अगर अंधेरा करता हूँ तो ये इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आप जो है इसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। आई होप फिर भी विजिबल होगा इस कैमरा में, हालांकि इसके बाद मैं कंप्यूटर का कैमरा बंद करके आपको अपने जिससे मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ उस कैमरा से आपको स्क्रॉल करता हुआ बताऊंगा, ये पूरा आपको विजिबल रहेगा और बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आपको कई सारे वीडियोज़ में बताऊँगा इसी DMD पैनल का किस प्रकार अलग अलग तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आप इस कोड को अपलोड कर लें, फिर उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का सीन, जो भी आपने मैसेज बनाया है उस मैसेज को इस तरह से स्क्रॉल करते हुए देखेंगे आप इस डिस्प्ले बोर्ड पर, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इस मैसेज को हम चेंज कर सकते हैं रन टाइम में अपने एक स्मार्टफोन से, अपने मोबाइल से, जिसमें एक ब्लूटूथ की एक ऐप हम डालेंगे, और ऐप भी मेरे द्वारा बनाई गई है, उस ऐप को कैसे बनाया है उस पर भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, हैव a good day। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम एक डिजिटल क्लॉक बना पाएंगे इसी P10 मॉड्यूल का यूज़ करके, ठीक है। हम डेट, डेट, आवर्स, मिनट, सेकंड सब डिस्प्ले पर लेंगे, एक बड़ा डिजिटल क्लॉक हम बनाएंगे और एक RTC मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से टाइम हमेशा करेक्ट रहेगा इस डिस्प्ले में, ठीक है। हम कितनी बार पावर ऑन ऑफ करें टाइम इसमें हमेशा करेक्ट रहेगा, लेकिन ये बनाऊँगा तभी आप जब मुझे कमेंट करेंगे,